नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे अमर बेल के औषधीय गुणों के बारे में। इसको लगभग सभी लोग पहचानते हैं। यह पेड़ों की झाड़ियों के ऊपर अक्सर पीले कलर की हमें दिख जाती है। इसका लेटिन नाम है कैसुटा रिफ्लेक्सा। इसकी फैमिली है कैसुकुटेसी, संस्कृत में आकाशवल्ली, हिंदी में अमरबेल, आकाशबेल, गुजरात में आकाशबेल, मराठी में निर्मूली आदि नामों से जाना जाता है, बंगाली में स्वर्णलता, आलोकलता। इसके गुणधर्म हैं संग्राही, कटु, तिक्त, कषाय, पिच्छिल, वीर्यवर्धक होती है, अग्निदीपक होती है, नेत्र रोग नाशक होती है, हृदय को हितकारी है, बलकारक है तथा पित्त, कफ और आम बात नाशक है। इसके औषधीय प्रयोग हैं केश रोग यानी बालों के रोगों में इंद्र लुप्त हो जाते हैं, जो कहीं कहीं बीच बीच के बाल झड़ जाते हैं, तो उसके लिए इसकी बेल को तिल के तेल में पीस कर सिर में लगाने से सिर की गंज में लाभ होता है तथा बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। लगभग 50 ग्राम अमरबेल को कूट कर 1 किलो पानी में पकाकर बालों को धोने से बाल सुनहरे व चमकदार बनते हैं। बालों का झड़ना, रूसी में भी इससे लाभ होता है। बहुत ही अच्छा प्रयोग है। यदि नेत्र शोत है तो बेल के 10-20 मिलीग्राम रस में शक्कर मिलाकर आंखों पर लेप करने से नेत्राविशंद, नेत्र शोत यानी सूजन में लाभ होता है। यदि मस्तिष्क विकार है तो इसके 10 से 20 ग्राम स्वरस को प्रातः जल के साथ सेवन करने से मस्तिष्क के विकार आदि दूर हो जाती हैं। यदि यकृत की समस्या है तो बेल का काढ़ा 40 से 60 ग्राम पिलाने से तथा पीस कर उदर पर लेप करने से यकृत वृद्धि में लाभ होता है। बेल का हिम या स्वरस 5 से 10 मिलीग्राम सेवन करने से ज्वर तथा यकृत वृद्धि के कारण हुई कब्ज मिट जाती है। यदि सूती का रोग है, अमरबेल का क्वाथ 40 से 60 मिलीग्राम पिलाने से प्रसूता की आंवल जल्दी निकल जाती है। अर्श की समस्या है तो अमरबेल के 10 ग्राम स्वरस में 5 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर खूब घोट कर नित्य सुबह ही पिला दें। 3 दिन में ही खूनी और बादी दोनों प्रकार के बवासीर में विशेष लाभ होता है। दस्त साफ होता है तथा अन्य अंगों की सूजन भी उतर जाती है। उपदंश है यदि किसी को, अमरबेल का स्वरस उपदंश के लिए अति गुणकारी है। गठियावाद की समस्या है, अमरबेल का बफारा देने से गठियावाद की पीड़ा अथवा सूजन शीघ्र ही दूर हो जाती है। बफारा देने के पश्चात इसी पानी से स्नान कर लें तथा मोटे कपड़े से शरीर को खूब पोंछ लें तथा घी का अधिक सेवन करें। अमरबेल का बफारा देने से अंडकोश की सूजन भी उतर जाती है। बलवर्धक है, 11.5 ग्राम ताजी अमरबेल को कुचलकर स्वच्छ महीन कपड़े में पोटली बांधकर 0.5 किलोग्राम गाय के दूध में डाल या लटकाकर धीमी आंच पर पकाएं। जब 1/4 दूध जल जाए तब ठंडा कर मिश्री मिलाकर सेवन करने से नर्बलता दूर होती है। विशेष ब्रह्मचर्य से रहना आवश्यक है। खुजली है, अमरबेल को पीसकर लेप करने से खुजली मिटती है। रक्त शुद्धि के लिए 4 ग्राम ताजी बेल का गर्म पानी से फांट बनाकर पीने से पित्त समन और रक्त शुद्ध होता है। शिशु रोग है, बाल रोग है तो बेल को शुभ मुहूर्त में लाकर सूती धागे में बांधकर बच्चों के कंठ व भुजा में बांधने से कई बाल रोग दूर होते हैं। 3rd या 4th दिन आने वाले बुखार में भी इस बेल को कंठ में ज्वर से पहले बांधने से ज्वर नहीं चढ़ता है। यदि व्रण है, अमर बेल के 2 से 4 ग्राम चूर्ण को या ताजी बेल को पीसकर सौंठ और घी मिलाकर लेप करने से पुराना व्रण भी भर जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।